हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। हेनरिक क्लासन का तूफान आया, 174 बनाया, साउथ अफ्रीका को 416 तक पहुंचाया, वो भी ओडीआई क्रिकेट में। जी हाँ, जिस तरह से बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने इस मैच की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है ओडीआई मैच। इससे पहले हम देखेंगे तीन मैच हो चुके हैं, दो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, एक मैच में जीत मिली है वहां पर साउथ अफ्रीका को, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने तीसरा मैच जीता तो जबरदस्त फॉर्म में वापसी की और चौथे मैच में वो लय कायम रखी। यहाँ पर अगर हम शुरुआत से ही देखें उनकी पारी तो ठीक ठाक चल रही थी, 45 डिकॉक के आते हैं, फिर बीच में 28, फिर 50 भी आती है रिजा की, तो मतलब अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन जब 194 पर 4 विकेट इनके होते हैं 35 ओवर में, तो कोई भी नॉर्मल समझेगा कि 320-330 बनेंगे, लेकिन जिस तरह से वहां पर बल्लेबाजी करते हैं, डेविड मिलर भी जबरदस्त पारी खेलते हैं, 83 रन वो बनाते हैं 200 के करीब के स्ट्राइक रेट से, और हेनरिक क्लासन की बात करें तो इन्होंने 83 गेंदों पर 174 रन की जबरदस्त पारी खेली, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, 13 चौके लगाए, 13 छक्के लगाए, और कोई भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज इन पर काबू नहीं पा सका, क्योंकि जिस तरह से धो रहे थे उन्हें, जिस तरह से मार रहे थे, और साथ उनका जो साथ निभा रहे थे वो डेविड मिलर भी बखूबी निभा रहे थे। उनकी तरफ से भी आप देखेंगे तो कुछ मतलब रियायत नहीं बरती जा रही थी, लगातार अटैक किए जा रहे थे, काउंटर अटैक, और तभी साउथ अफ्रीका जो है 416 बनाने में कामयाब रहा और 174 की पारी क्लासन ने खेली, 13 चौके 13 छक्के। और उसके बाद डेविड मिलर की बात करें तो उन्होंने भी 83 बनाए, उन्होंने 5 छक्के लगाए और जबरदस्त लगाए, अपनी टीम को 400 पहुंचाया, और इस सीरीज में मुझे लगता है दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका जीत लेगा और लास्ट मैच जो होगा वो दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई होगा। अभी तक साउथ अफ्रीका के लिए डू और डाई सिचुएशन बनी हुई थी इस पूरी सीरीज में, लेकिन अब वो डू और डाई दोनों ही टीमों के लिए होगा, जो टीम वो मैच हारेगी वो सीरीज हारेगी, जो मैच जीतेगी वो सीरीज जीत जाएगी।